राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर सीबीआई का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर लालू और उनके परिवार के सदस्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को लेकर कई खुलासे किए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं आरोपों पर घिरे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्य और तथ्य का मार्ग वो अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ये हवा जाकर कह दे दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। वहीं राज्यसभा सांसद और आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी सिलसिलेवार कई ट्वीट किए गए। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तोते हैं, तोते का क्या। इसके अलावा एक और ट्वीट में लिखा गया कि तथाकथित रेलवे से संबंधित घोटाले में अनगिनत बार छापेमारी हुई और मिला कुछ नहीं। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आज 13 साल बाद भी अगर सीबीआई को छापा मारना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने घटिया स्तर की जांच एजेंसी है सीबीआई। लालू परिवार झुकने और डरने वाला नहीं है।